हमारा सबका एक मकसद है, ध्येय। जैसे आज देश के अंदर भी पूरे भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी चल रही है, आज पूरी कांग्रेस पार्टी और हरियाणा नहीं पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी का आदेश, राहुल जी का, हमारा सबका एक ही मकसद है कि जितना हो सके हम लोगों के बीच में जाएं और इस दुख की घड़ी में जो एक संकट है इसमें राजनीतिक से ऊपर उठ कर पहले हमारा राष्ट्रहित की बात, हमारा सबका ये कि किसी भी रूप से हम जितनी हो सके, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे बिजनेसमैन है, जो जिसके हम मदद कर सके, हमारा लक्ष्य आज है कि हम सबकी इस दुख की घड़ी में मदद। आज तो हमारा सबसे जिम्मेवारी भी है और इसमें राजनीतिक से ऊपर उठ के देखिए सभी का फर्ज बनता है कि एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़े, क्योंकि देश के सामने बहुत बड़ा है। तो कोरोना में ये भाजपा सरकार कैसे काम खत्म कर, देखिए मैं भाजपा सरकार को बधाई नहीं दे सकता, पर मैं सबसे ज्यादा कि देश की बात है, प्रदेश में मैं उन योद्धाओं को बधाई देता हूँ, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो प्रशासन जैसे पुलिस महकमा है, चिकोर है, मैं एक तो उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा के लोगों की सेवा भी की और इस लड़ाई में उनको लड़ने के लिए मैं सबसे ज़्यादा उनको बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जो हरियाणा का किसी भी संस्था से जो समाज सेवी थे, उसमें आप भी थे और भी कोई साथी थे, जिन्होंने चाहे खाने की बात थी, चाहे मास्क की बात थी, चाहे सैनिटाइज की बात थी, चाहे और भी किसी प्रकार से प्रवासी मजदूरों की बात थी, सबसे बड़ा योगदान अगर हरियाणा के अंदर है तो संस्थाओं का है, समाज सेवकों का है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज कुछ भाजपा गवर्नमेंट इसकी वाहवाही लूटे, राज्यपाल लूटे, ये बिल्कुल गलत है। इस महामारी में, इस संकट में सबसे बड़ा योगदान आज के अंदर इन संस्थाओं का अगर नहीं होता तो बीजेपी गवर्नमेंट को भी पता लग जाती कि इनकी क्या व्यवस्था थी। मैं दिल से इन साथियों को बधाई देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने भी चाहे किसी ने एक रुपये की मदद की, किसी ने करोड़ की करी है, भगवान उनके जीवन में हर वक्त खुशियाँ आए और उनको कभी किसी प्रकार की उनके कोई कमी ना रहे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम गरीब मजदूर आदमी आज जो उनकी मदद हुई उसके लिए। राजस्थान गिराने का घटनाक्रम चला राजस्थान के अंदर, तो आप किस नजरिए से देखते हैं उसमें? देखिए सबसे पहले तो अपने घर को देखना चाहिए। मैं आज बीजेपी की निरादरी बुराई करूं, मैं सबसे ज्यादा अगर कोई इसका दोषी है तो कांग्रेस के जो बाग विधायक है, चाहे सचिन पायलट है, 26 साल की उम्र में जिसको सांसद बना दिया, 31 साल की उम्र में मंत्री बना दिया, सेंटर में मिनिस्टर बना दिया, 36 साल की एज में आपको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और 40 साल की उम्र में आपको डिप्टी सीएम बना दिया, तो आप और क्या लेंगे, इससे बड़ा सम्मान क्या लेंगे? लोग कहते हैं हमारे को सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान हमें बताए कि वो सम्मान क्या होता है। अगर इतनी चीज इतनी छोटी उम्र में मिल जाती है तो इससे बड़ा सम्मान कांग्रेस पार्टी दे नहीं सकती। जहां तक बीजेपी की बात है, आज जो कोरोना का संकट है, गरीबों के मदद के लिए पैसा नहीं है, किसानों के कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं है, जो मिडल मैन बिजनेसमैन थे उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश की बात थी, चाहे राजस्थान की बात थी, विधायक खरीदने की और जोड़ तोड़ करने के इनके पास पैसा है। तो मैं इसमें जो जनता ने जिनको प्रतिनिधि चुना है, और वो आदमी अगर ऐसी बात करता है जो जनता के साथ धोखा करता है, चाहे उसमें कुलदीप वत्स हो, चाहे कोई और, मैं सबसे गिरा हुआ इंसान उसको मानता हूँ जो जमीर को बेचता है। आज पैसा कुछ नहीं है, जो जिस हमारे को 50,000-60,000 लोगों ने चुना है, तो हमारे से 2,00,000 आदमी हमारे हल्के के हमारे से उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम उनकी उम्मीदों को बेचते हैं, तो मैं उनको इस बात के लिए सबसे कमजोरी और सबसे निकम्मा पर मन विधायक को कहा। वास्तव में सचिन पायलट चाहते क्या थे वास्तव में आपको? देखिए हर आदमी की इच्छा होती है, इच्छा पालना अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, पर सचिन पायलट अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते तो उसका सम्मान हो जाता। पर आदरणीय राहुल जी ने उनको स्वयं ये कहा कि आप अभी एक्सपीरियंस लो, लास्ट के 1.5 साल के लिए हम आपको भी चीफ मिनिस्टर बनाए। प्रियंका जी ने भी बात करी, मैंने सोनिया जी ने भी बात करी, हमारे वेणुगोपाल जी ने भी बात करी, तो
तो इस प्रकार जो एक दान जो भरना है ये भी एक वक्त में सब कुछ करते हैं। मैं किसी में वैसा भले नहीं लगाता, पर सचिन पायलट जी हमारे पार्टी के बहुत संघर्षशील नेता है, बड़ा संघर्ष उन्होंने किया पार्टी के लिए, छोटी उम्र में रोडों पर जाकर संघर्ष किया, पर कांग्रेस पार्टी ने भी उसके लिए कोई कमी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव में क्या लग रहा? देखिए बड़ौदा उपचुनाव में हमारी सीट लोगों ने पहले भी हमारे को जीता है और एक तरफा कांग्रेस जीतेगी और पूरे प्रदेश में आज बीजेपी और जेजेपी का जिस प्रकार से लोगों का मोह भंग इतना जल्दी हुआ, आप हमारे मीडिया के कहते हैं कि सबसे बड़े स्तंभ आप हो, आपने सबसे ज्यादा हमारे से ज्यादा आपको रिपोर्टें होती है और आज हरियाणा के अंदर लोगों में बहुत मायूसी है और आने वाला समय कांग्रेस का जो भी होगा समय लोगों ने जो उम्मीद जिस जोश के साथ इनको चुना था, जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ जो वोटें दी थी, आज जो जेजेपी को 10 सीट जो जीत गया, आप उनके विधायकों से पूछो, आप जाकर उनके विधायक हमारे साथी हैं, जो हमारे दादा गौतम हैं उनके आप जान सुनते हो, पीछे बबली के आपने सुने और भी कई ऐसे साथी हैं, लोग वो की उम्मीदों को खड़ा नहीं और लोग आज मेरे हिसाब से जो हमारे चाहे यूथ की बात अब करीबन मेरे हिसाब से 4 से 5 वैकेंसी थी जिन्होंने बच्चों ने फार्म भरे थे 1 साल पहले 6 महीने पहले अब वो कैंसिल कर दी। दूसरा जो हमारे युवा साथी थे जिन्होंने दुष्यंत चौटाला जी से बड़ी उम्मीद थी कि भी मैं 75% रोजगार भी दूंगा, मैं किसानों का बिजली का कर्जा माफ करूंगा, मैं 5100 रुपये वृद्धा पेंशन दूंगा, पता नहीं कितने क्या वादे किए। आज 200 रुपये के लिए बीजेपी भी अपनी छाती पीट रही है जो वृद्धा पेंशन बढ़ाए, जेजेपी भी अपनी छाती पीट रही है कि हमने कर दिया, पर जो लोगों ने जो बात की इस बात से जेजेपी का खासकर बहुत ज्यादा ख्याल है। एक दिन कहते हैं कि हमने बिल पास कर दिया कि 75% लोगों को युवाओं को रोजगार मिलेगा, अगले दिन ये स्टेटमेंट आती है कि जो पुराने लगे हुए कारखाने उनमें नहीं नए लगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने नया कोई लगाया क्यों नहीं है इस प्रदेश में, पुराने उठ उठ यहाँ से जाने लग रहे हैं, आप नए की बात करें तो इनकी कथनी और करनी काफी अंतर है और लोगों को इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ गई और लोगों ने दुष्यंत चौटाला को 10 सीट दी वो बीजेपी के अगेंस्ट दी थी और जिस दिन वो बीजेपी की गोद में जाके बैठा उन्होंने उन कार्यकर्ताओं का अपमान किया। आज आपके नजदीक उचाणा में यहाँ का डिप्टी सीएम घुस नहीं सकता, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक हमारे बड़ौदा की आप बात कर रहे थे, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, बड़ौदा में दुष्यंत चौटाला अपने भाई को लड़ाया, जिस प्रकार से उसे सोनीपत में दिग्विजय को उतारा था, आज फिर वह बड़ौदा में उतार के देख ले, वो अपने आप में बहुत बड़ा लीडर समझता है, उतार के देखते हैं। इनका हरियाणा में जेजेपी का बिल्कुल सुखा साफ हो चुका है और आने वाले समय बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा की जनता ने पक्का मन बना लिया कि भाई किस दिन जल्दी से जल्दी इलेक्शन आ जाए, पर समय और आपने पता है समय जो होता है उस समय के हिसाब से चलता है, पर आने वाला समय कांग्रेस का है और आप लोगों ने पूरे प्रदेश की और देश के हालात मेरे से ज्यादा आप